ध्रुव जुरेल बने टीम इंडिया के संकट मोचक। विकट परिस्थिति में बैटिंग कर भारत को दिला दी जीत। पिता ने करगिल युद्ध में दुश्मनों से लिया था लोहा, बेटे ने क्रिकेट में किया इंग्लैंड के नाक में दम। हारी हुई बाजी को पलट कर जीत में बदलना कोई ध्रुव जुरेल से सीख। पिता के इच्छा के बिना क्रिकेट खेलना किया शुरू और बन गए हीरो। विकेट के पीछे धोनी जैसी फुर्ती और बैटिंग में पंत जैसी आक्रामकता। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर लिया है। हैदराबाद में खेले गए पहले मैच को गंवाने के बाद लगातार 3 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। रांची में खेले गए 4th टेस्ट मैच में भारत ने 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट गंवाकर जीत दर्ज कर ली। युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल रांची टेस्ट में भारत की जीत के हीरो रहे। वह दोनों पारियों में टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बनकर सामने आए। इस टेस्ट में वह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। पहली पारी में जब टीम इंडिया 177 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, तब जुरेल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर और छोटी छोटी साझेदारियां करते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया। ध्रुव जुरेल की पारी के बदौलत ही भारतीय टीम इंग्लैंड को चुनौती देने की स्थिति में आ पाई थी। वहीं भारत की पहली पारी में जुरेल ने 149 गेंद पर 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 90 रन बनाए। वह शतक बनाने से जरूर चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी ने टीम इंडिया को जीत की उम्मीद जगा दी थी। इसके बाद दूसरी पारी में जब एक बार फिर भारतीय टीम महज 120 रन पर 5 विकेट गंवाकर बैकफुट पर चली गई थी, तो यहां पर जुरेल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी। जुरेल ने दूसरी पारी में 77 गेंद पर 39 रन की नवाद पारी खेली। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्म लेने वाले ध्रुव जुरेल के लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। उनके संघर्ष की कहानी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। 22 वर्षीय खिलाड़ी के पिता नहीं चाहते थे कि वह क्रिकेटर बने। वह बेटे को अपनी ही तरह देश की सेवा में समर्पित करना चाहते थे। दरअसल ध्रुव के पिता नेम सिंह सेना में थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में भी भाग लिया था। 2001 में ध्रुव का जन्म हुआ। छोटी उम्र से ही वह क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वह पिताजी से डरते थे। आर्मी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने तैराकी के कैंप में भी जाना शुरू किया, लेकिन उन्हें स्विमिंग से ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट था। जब स्कूल में तैराकी की कक्षाएँ चलती थी तो ध्रुव क्रिकेट खेला करते थे। उन्हें क्रिकेट इतना पसंद आया कि उन्होंने तैराकी से अपना नाम हटाकर क्रिकेट में लिखा दिया। जब उनके पिताजी को इस बात का पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा हुए, लेकिन बाद में मान गए। ध्रुव को जब बैट चाहिए था तो उनके पिता ने बल्ला लाने के लिए अपने दोस्तों से 800 रुपये का कर्ज लिया था। ध्रुव उत्तर प्रदेश के लिए अंडर 14 और अंडर 16 आयु वर्ग क्रिकेट खेल चुके हैं। इसके बाद उन्हें 2020 में विश्व कप के लिए भारत की अंडर 19 टीम में भी चुना गया था, जहाँ से ध्रुव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह 2020 में देश की अंडर 19 टीम के उपकप्तान भी बनाए गए। उनकी टीम अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश से हार गई, लेकिन ध्रुव ने अपनी कप्तानी में अंडर 19 एशिया कप जीता। ध्रुव ने 2022 में विदर्भ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण भी किया और वह अब तक 15 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 790 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। उनका बेस्ट स्कोर 249 है। ध्रुव ने 10 लिस्ट ए और 23 टी20 मैच भी खेले हैं। उन्हें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। अब इस नए खिलाड़ी के जज्बे और उनके प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें सच टॉक्स न्यूज़।